तो नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि अभी अभी मेरे एक व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है कि गुरुजी मुझे डर बहुत लगता है। तो यार देखो सुनो, डर होता कैसे है, डर मतलब है क्या चीज़ है और आप इससे कैसे बच सकते हो। तो यार आजकल हर किसी के जीवन में कोई ना कोई डर लगा रहता है, ठीक है, कोई ना कोई डर हर किसी को रहता है। किसी को क्या डर, किसी को कोई दुश्मन मेरा मार ना दे मुझको, कोई कुछ ना कर दे मेरा, हैं, कोई ना कोई डर हर किसी को रहता है। तो इससे आप कैसे बचें? यार देखो, डर इंसान का वहम है और कुछ नहीं है। ये जो हमारी नकारात्मक सोच होती है ना, ये डर को पैदा करती है, ठीक है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, यार हम नहीं कर सकते, हमसे गलत हो गया तो क्या होगा, तुम ये क्यों सोच रहे हो, पहले करो तो सही उस काम को। एक बार असफल होगे तो दूसरी बार करो, दूसरी बार होगे तो तीसरी बार करो, एक ना एक दिन तो तुम जरूर सफल होगे, ठीक है। तुम पहले ही हार मान के बैठ जाते हो, तुम्हारे दिल के अंदर डर बैठ जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे तो जिंदगी में कभी तुम आगे निकलोगे नहीं। अब जैसे ही कई लोग मेरे पास आते हैं तंत्र विद्या सीखने के लिए, तो वो भी डरते हैं शमशान घाट में जाने से। यार क्यों, क्या कर लेंगी ये चीज़ें तुम्हारा, जो मरी हुई चीज़ें हैं वो तुम्हारा क्या कर लेंगी, कुछ भी नहीं कर सकती, ना तुम्हें टच कर सकती, ना तुम्हें कोई कर सकती। ये सिर्फ डर है हमारा, और जो डरता है ना इंसान, उसको हर चीज़ डराती है, चाहे इंसान ही क्यों ना हो। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से डरता है, तो वो इंसान उस इंसान को दबाता है, और वो इंसान दबाव में आके उससे डरता है। आजकल दुनिया में है पैसे का डर, कि कोई इंसान पावरफुल है तो उससे छोटा इंसान डरता है। भाई क्यों, ये सब क्या चीजें चल रही हैं दुनिया में, हैं? डरना ही है तो ऊपर वाले से डरो, इंसान से क्यों डरते हो, प्रेत आत्माओं से क्यों डरते हो? इंसान से बड़ा डर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रेत आत्माएं वो नहीं कर सकती जो इंसान कर सकता है, समझ गए? शमशान में क्या है, शमशान में पाप पुण्य का फैसला होता है, वहां इंसान को मुक्ति मिलती है, और आप लोग कहते हो कि वहां हमें डर लगता है जाने से। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, डर सिर्फ हमारी नकारात्मक सोच है। इस सोच को बदलो, और डर का शब्द जो होता है ना, उसको इरेज कर दो। फिर देखो यार, एक बार बताओ, सुबह होती है, दोपहर होती है, आप लोग शमशान घाट में चले जाते हो, क्योंकि रोशनी होती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है तो रोशनी होती है हर जगह, और वही चीज जगह वही रहेगी। लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा, फिर तुम जाने से डरते हो, क्यों, क्या होता है, कोई प्रेत आत्माएं आ जाती हैं या कुछ हो जाता है वहां पे? ये अपनी सोच को बदलो यार। तंत्र विद्या ऐसी नहीं सीखी जाएगी, तंत्र विद्या को सीखने के लिए डर को हटाना पड़ता है, तब जाके तंत्र विद्या सीखी जाती है, ठीक है। तो डर कुछ नहीं होता यार, डर की सबसे बड़ी वजह पता क्या है, अपने शरीर और मन के साथ जरूरत से ज्यादा अपनी पहचान बना लेना। शरीर और मन के साथ कुछ भी चीज नहीं है डर, ये तो हम अपने अंदर ही ये चीज बना लेते हैं कि डर है, डर है, ठीक है। सारी दुनिया इस डर पे अटक गई है। चलो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत पुराना फूलदान पड़ा हुआ है, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, और अब आपको मिला है वो। आपको हमेशा ये बताया गया है कि ये बहुत भाग्यशाली फूलदान है, आपके पुराने बुजुर्ग ने बताया होगा या कोई चीज बताते रहते होंगे कि ये बहुत भाग्यवान चीज है, और वही चीज आपको आगे मिली है।
हमारे परिवार के लोगों की जिंदगी बस इसी फूलदान की वजह से अच्छी तरह चलती रही है। अगर मैं आकर उस फूलदान को तोड़ दूं तो क्या होगा? सोचना, ये स्टोरी है। अगर मैं उस फूलदान को आकर तोड़ दूं तो क्या होगा? आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी क्या? आपकी जिंदगी चलेगी नहीं क्या? आपकी जिंदगी में दुख आ जाएंगे क्या? तो ये सारे मिथिक है। आज आपको शायद मेरी बातें समझ ना आ रही हो क्योंकि मैं कुछ बातें अजीब कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से गौर से समझिएगा। ये समझने की बात है, ये सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार कार ध्यान से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई देखो, एक्सीडेंट होना है ना तो होना है, चाहे तुम जितना मर्जी ध्यान से चला लो गाड़ी, तुम्हारी गलती ना हो। अगर तुम्हारी किस्मत में वो चीज़ लिखी होगी तो होगी, सब ऊपर वाला करता है। तो भाई अपने दिल में तुम डर बना के क्यों चलते हो, इस चीज़ का बताओ। ये आज बहुत ही अच्छा, ये यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये चीज़ देख के। जो डर होता है ना वो जीवन से पैदा नहीं होता, ये हम अपने शरीर के अंदर खुद इसको बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर इतने परेशान होते हैं क्योंकि आप हकीकत में रहने की बजाय उस ख्याली दुनिया में रहते हो जो लगातार अति के सहारे भविष्य में झांक रही है। और एक चीज बताऊं, आप अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते कुछ भी, आप सिर्फ अतीत का टुकड़ा बने हुए हो। डर जो अतीत का टुकड़ा जो आपने बनाया है ना, उसको आप डर बोलते हो। डर, डर की शक्ल दे देते हो उसको और उससे निकलने की कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चाई को समझो, सच्चाई को जानो। कल्पना मत करो कि ये होगा ये होगा, प्रैक्टिकल में जियो। समझ गए? जो चीजें वर्तमान में दी गई हैं उस चीजों में मगन रहें। जो चीजें भगवान ने दी हैं अभी, उन चीजों में मगन रहो, डर से दूर रहो। डर तो कुछ भी नहीं है, डर तो हमारे बस दिल का वहम है और कुछ नहीं है। अब आपको यह तय करना है यार कि आप धरती पर जीवन का अनुभव लेने आए हो या सारी जिंदगी आप डर 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 के जीने आए हो। अगर आप जीवन के अनुभव लेने आए हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है चाह की तीव्रता, एक जज्बा। अगर आप में तीव्रता नहीं होगी तो आपके जीवन का थोड़ा बहुत ही अनुभव हो पाएगा। और जैसे ही डर आपके पास आता है तो आपकी तीव्रता कम हो जाती है, जैसे ही तीव्रता नीचे जाती है जीवन का अनुभव करने की आपकी क्षमता गायब हो जाती है। तो भाई ये डर है, इसी डर से लड़ो। मत सोच रखो नकारात्मक, वास्तविकता में जियो, जो दिया है उसमें जियो। आगे तक की कल्पना करके मत सोचो ये सब चीजें। कुछ नहीं है, इंसान से बड़ा शैतान इस दुनिया में कोई नहीं। इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। आजकल की दुनिया में देखो, इंसान हर काम करता है। ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं डरते, जहां उनको बोलो वहां चले जाते, जो काम बोलो वो कर देते हैं। तो मेरे भाई वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। क्यों, ये सोचा है कभी? मुझे ये नहीं समझ आती आखिर तुम्हें डर है किस चीज का। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, माँ दिया है, बाप दिया है, बच्चे दिए हैं, हर चीज दी है, सब कुछ दिया है, तो तुम डरते क्यों हो? डर का ना कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। डरने का मतलब है कि आप ऐसी चीज से परेशान हो रहे हो जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं है दुनिया में।
और आप ऐसी चीजों से डर रहे हो जो गैर मौजूद चीजों से परेशान हो, कि जो गैर मौजूद है, जो दुनिया में है ही नहीं। अब ये बताओ, उसके आधार पर आपको समझदार माना जाए या पागल? तो इस चीज को बढ़ो, इस चीज को छोड़ो, नकारात्मक सोच को मिटाओ और आगे बढ़ो। तो बस यही एक चीज था, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एक न्यू चैनल बनाया है अघोर साधना के नाम से ही, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके चैनल को लाइक कीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उस चैनल पे वही लोग आना जो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पसंद करें और वीडियो को शेयर करें। ये नहीं है कि वीडियो देख ली, लाइक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस वीडियो देख के चले गए। तो मेरे भाई, ऐसे सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए, तो मत आना बिल्कुल भी। अगर कोई ऐसा इंसान है तो मैं खुद उसको चैनल से ब्लॉक करके बाहर फेंक दूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, उस चैनल पे सिर्फ अच्छी बातें होंगी और अच्छी चीज़ें होंगी, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ना किसी के साथ कुछ होगा, जो भी चीज़ें होंगी।